सब्जियों के बढ़ते दामों पर महिला कांग्रेस का हल्ला बोल। सब्जियों और खाद्य सामान के बढ़ते दामों के विरोध में मुरादाबाद महिला कांग्रेस से जुड़ी कार्यकर्ताओं ने अपने गले में आलू प्याज की मालाएं पहनकर केंद्र की भाजपा सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। लगातार बढ़ रही महंगाई ने आम आदमी की थाली से साग सब्जियों की संख्या घटा दी है, जिसके चलते आम गृहिणी खासी परेशानी झेल रही है। इस बढ़ती महंगाई को लेकर आज मुरादाबाद कांग्रेस की महिला विंग अपना विरोध दर्ज कराने के लिए कलेक्ट्रेट पहुँच गयी। इन कांग्रेसी महिला कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते बढ़ती महंगाई पर लगाम लगाने की मांग की। ये महिला कार्यकर्ता अपने गले में आलू प्याज की मालाएं पहने हुई थी। प्रदर्शन के बाद एक ज्ञापन भी सौंपा। हमने देखिए, हम गृहणियां जो हैं सब ज्यादा महंगाई से परेशान होती हैं, क्योंकि हमारा बजट गड़बड़ा जाता है। किचन हमें संभालना है, बच्चों की पढ़ाई को हमें देखना है, उनकी बीमारियों को हमें देखना है, कहीं कोई सहूलत नहीं है हमारे लिए। सब ज्यादा जो सब्जियों की कीमतें बढ़ी है अचानक, तो वो हमारे लिए बहुत परेशान हो गया है, क्योंकि हम करें तो क्या करें बताइए। खाना तो बनाना ही है, पैंडेमिक कब सीजन चल रहा है, अभी पैंडेमिक खत्म नहीं हुआ है, कुछ पता नहीं कि हमारे जो आदमी घर बैठे हुए हैं, रुके हुए हैं, बच्चे रुके हुए हैं, कब वो वापस जाएंगे, कब क्या होगा। तो हम हैंड टू माउथ होकर रह गए गृहणियां। तो आप लोगों ने कहाँ पे वो किया है प्रदर्शन? हमने यहाँ जिला कलेक्ट्रेट पे किया है और हमने डीएम साहब को ज्ञापन दिया है। क्या मांग करते हैं? बहुत आराम से हमारी बात सुनी है और उन्होंने हमें आश्वस्त किया है कि हम इस चीज को लेके जरूर देखेंगे कि ये फ्लक्चुएशन क्यों हो रहा है सब्जियों के दामों में इस तरह से, और जहां तक भी हो सकेगा वो उसको हमें हर तरह का सहूलत देंगे।